सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली स्पेशल सेल लगातार बड़े बड़े खुलासे हैं वो कर रही है। आज स्पेशल सेल ने सोनीपत के रहने वाले अंकित सेरसा और भिवानी के रहने वाले सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया है। हम आपको अंकित सेरसा के गांव ले लिए चलते हैं। देखिए ये पीछे जो तस्वीरें हैं ये गांव की है और इसी गांव में अंकित सेरसा है, वो अपने परिवार के साथ रहता था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में प्रियव्रत फौजी के बाद सबसे बड़ी गिरफ्तारी जिस शख्स की हुई है उसका नाम है अंकित सेरसा। अंकित को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि अंकित सेरसा ने दोनों हाथों से मूसेवाला पर गोली चलाई थी। दिल्ली पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि मूसेवाला की हत्या के बाद से ये 7 जून तक गुजरात में छिपा रहा। वहीं अंकित की गिरफ्तारी के बाद पंजाब केसरी की टीम शार्पशूटर अंकित के गांव पहुंची तो वहां पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। गांव की गलियों से होते हुए जब पंजाब केसरी की टीम अंकित के घर पहुंची तो वहां पर ताला लटका हुआ मिला। वहां मौजूद आसपास के लोगों ने बताया कि अंकित 10वीं क्लास में फेल हो गया था और स्कूल की शुरुआत से ही उसका रुझान पढ़ाई में नहीं था। वो अपने परिवार में सबसे छोटा सदस्य था। इतना ही नहीं, अंकित से बड़ी 4 बहनें और 1 भाई है। जानकारी के मुताबिक परिवार के बहुत समझाने के बाद भी अंकित ने गलत लोगों का साथ नहीं छोड़ा और पिछले 3 महीने से वो घर पर नहीं आया। को बता दें अंकित सेरसा अपने परिवार में सबसे छोटा है और उसकी 4 बड़ी बहनें हैं और 1 बड़ा भाई। परिवार में माता पिता फैक्ट्री में नौकरी करते हैं और ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्री ये बता रहे हैं कि अंकित सेरसा भी एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी और नौकरी जाने के बाद वह अपनी बुआ के घर गया तो अपनी बुआ के घर जाने के बाद उसने एक मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वह कभी भी घर नहीं आया और उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होकर यह साबित कर दिया कि वह एक बड़ा गैंगस्टर है और उसके ताल्लुकात बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ है। अंकित की उम्र महज 18 साल की है और उसने छोटी आयु में ही कई वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के वक्त उसकी नौकरी चली गई, उसके बाद उसने मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बस यहीं से शुरू हुआ अंकित के आतंक का कहर और उसके बाद अंकित एक के बाद एक गैंग के संपर्क में आता गया और वारदातों को अंजाम देता चला गया। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।